जानती हैं मोहम्मद हजरत मोहम्मद साहब कौन हैं? उनका जन्म कब हुआ था? उनका जन्म जब हुआ था जब आप लोगों को पैदा होते ही दफना दिया जाता था। उसे 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 गुर्बत का जमाना कहा जाता था, जिहालत का जमाना। और जिहालत के जमाने में मालूम है वो जब आए और उनको किसी व्यक्ति जब उनको कोई व्यक्ति मिला ना तो उन्होंने ये घटना उनको बताई तो उनकी आंख से आंसू निकल गए, निकल रहे थे कि बताओ इस तरह होता है। इसी उम्मत में उन्होंने शराब हराम कराई कि शराब पीने के बाद कोई किसी बेवा को या किसी औरत को बुरी नजर से ना देखे, मारे पीटे ना। हर वो नशा हराम कराया इस्लाम में जो पैर डगमगा दे। हर चीज के, हर धर्म की अच्छाइयां हैं भाई। नबियों के नबी, अल्लाह के प्यारे नबी हैं वो, पहली चीज। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि भूखा अगर कोई पड़ोसी भूखा रहा तो कोई वो खाना, उन्होंने कहा आप खाना नहीं खा सकते। कई चीजें उन्होंने पाबंद की, 50 वक्त की नमाज थी, 50 वक्त की, 5 वक्त की नमाज हुजूर साहब से अल्लाह पाक से मीटिंग करके कराया उन्होंने। मतलब मिलते थे पर्दे में, उनसे बातचीत होती थी, मैं प्यारे नबी थे। और एक चीज मैं और बता दूं उनकी बेटी को लेकर, उन्होंने अपनी बेटी की शादी कोई बहुत बड़े घराने में नहीं की थी, एक गरीब के घर में की थी। सैयद फातिमा उनकी बेटी का नाम है, अली हुसैन उनके नमासे हैं। ये क्या बताएंगे?